दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए स्मार्टफोन के बारे में और ये स्मार्टफोन है Realme 9i। हालांकि Realme का ये स्मार्टफोन कुछ टाइम पहले चाइनीज मार्केट में लॉन्च हो चुका है और अब Realme के इस नए फोन की इंडियन मार्केट में एंट्री हो गई है और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि इस फोन में हमें क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और ये फोन परचेस करने के हिसाब से सही है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा Realme 9i का येलो कलर का बॉक्स जिस पर बोल्ड लेटर्स में 9i प्रिंटेड है और नीचे साइड दी गई है Realme की ब्रांडिंग। तो बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर वर्क, एक ट्रांसपेरेंट केस, नेक्स्ट है हमारा मोबाइल, इसे रखते हैं साइड में, और इसके बाद हमें मिलता है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर और एक USB टू टाइप सी केबल। तो ये सब बॉक्स कंटेंट्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं और अब हम इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, चलते हैं अपने फोन की तरफ और करते हैं इसको अनरैप। तो ये हमारा Realme 9i स्मार्टफोन और इसी के साथ अब हम बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो लुक और डिजाइन वाइज ये फोन काफी अच्छा दिखता है और फोन के बैक साइड हमें मिलता है ग्लॉसी लुक और यहाँ पर हमें वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती हैं। वैसे फोन का बैक और साइड ग्रिल्स प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए हैं लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज ये फोन सॉलिड है और लुक्स और डिजाइन में भी इस फोन को हम काफी अच्छा कह सकते हैं। फोन के बैक साइड टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रेक्टेंगुलर शेप्ड कैमरा हाउसिंग दी गई है जिसमें दो बड़े बड़े कैमरे और एक छोटा सा कैमरा और उसके साथ ही एक LED फ्लैश दी गई है। इनफैक्ट Realme ने इस फोन में सेम कैमरा सेटअप का यूज किया है जो हमें Realme GT Neo 2 में देखने को मिलता है। तो ये तो हुई लुक्स और डिजाइन की बात और अब हम चलते हैं फोन के डिस्प्ले सेटअप की तरफ। तो Realme के इस फोन में हमें मिलती है 6.56 इंच की FHD प्लस वाली IPS LCD जो 480 nits के पीक ब्राइटनेस लेवल को सपोर्ट करती है और इसी के साथ डिस्प्ले में हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 400 PPI की पिक्सल डेंसिटी और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो क्वालिटी वाइज ये डिस्प्ले काफी अच्छी है और इस सेक्शन में इस फोन में हमें कोई कमी देखने को नहीं मिलती। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन वर्क करता है Qualcomm के पावरफुल चिपसेट 680 पर जो 6 नैनोमीटर पर वर्क करता है और साथ ही हीटिंग इश्यूज भी इस चिपसेट के साथ कम है। यहाँ पर गेम और ग्राफिक्स के लिए Adreno 610 वाला GPU मिलता है जो इस टास्क को इजिली हैंडल कर लेता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट अच्छा है और फोन में आप हैवी गेमिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ ही फोन में UFS 2.1 का स्टोरेज और LPDDR4X RAM का सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फोन का अच्छा है और वही अगर हम बैटरी की बात करें तो Realme का ये फोन 5000 mAh की बैटरी से लैस है और यहाँ पर हमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट बॉक्स के भी अंदर हमें 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग एडाप्टर मिलता है और अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो फोन जिस चिपसेट पे वर्क करता है वो एक बैटरी एफिशिएंट चिपसेट है तो बैटरी बैकअप इस फोन में हमें बढ़िया मिल जाता है और नॉर्मल यूसेज में एक दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप आप इस फोन में इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क और कनेक्टिविटी की बात करें तो Realme का ये फोन 4G नेटवर्क पे वर्क करता है और फोन में हमें डुअल 4G वोल्टी, वाईफाई, BT 5.0 और डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर NFC का ऑप्शन इस फोन में आपको नहीं मिलता। वहीं अगर हम सेंसर की बात करें तो Realme का ये फोन सभी जरूरी सेंसर के सपोर्ट के साथ आता है जैसे साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। मल्टीमीडिया की बात करें तो Realme के इस फोन में डिस्प्ले साइज काफी बढ़िया दिया गया है और व्यूइंग एंगल्स भी हमें यहाँ पर काफी अच्छे मिल जाते हैं और इसी के साथ फोन में हमें डुअल स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलता है तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आता है और इसी के साथ फोन में हमें Realme UI 2.0 देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों इस फोन में आपको जल्दी Android 12 और Realme UI 3.0 की अपडेट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं पोर्ट्स और बटन्स की। तो फोन के राइट साइड है पावर बटन जो एज ए फिंगर सेंसर भी वर्क करता है और लेफ्ट साइड दिया गया है वॉल्यूम रॉकर बटन और सिम ट्रे और इस सिम ट्रे में आप दो सिम और मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। टॉप साइड मिलता है एक नॉइस कैंसिलेशन माइक और बॉटम साइड मिलता है 3.5 mm जैक, स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट और मेन माइक। वैसे दोस्तों Realme ने इस फोन में दो वेरिएंट ऑप्शंस दिए हैं जिसमें बेस वेरिएंट 4GB प्लस 64GB का है और जिसकी प्राइस है 13,999 और वहीं फोन का टॉप वेरिएंट 6GB प्लस 128GB के साथ आता है और जिसकी प्राइस है 15,999
और इसके साथ ही फ़ोन में हमें ब्लैक और ब्लू कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। इनफैक्ट फ़ोन का जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसमें हमें रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिलता है और टोटल में आप 11GB तक रैम इस फ़ोन में एक्सपेंड कर सकते हैं। फाइनली कैमरे की बात करें तो फ़ोन में मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 MP, सेकेंडरी सेंसर 2 MP मैक्रो और थर्ड सेंसर है 2 MP का डेप्थ। और फ्रंट फेसिंग की बात करें तो यहाँ पर मिलता है 16 MP का सेंसर। फ्रंट और रियर दोनों साइड आप 1080p/30fps पर वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसी के साथ कैमरा फीचर्स में हमें HDR, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड जैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों ओवरऑल बात करें तो Realme का ये हैंडसेट तो अच्छा है पर कुछ पॉइंट्स में मुझे इस फ़ोन में कमी दिखी और वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है फ़ोन का डिस्प्ले। जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आता है उससे भी कम प्राइस पॉइंट पर हमें दूसरे ब्रांड में एमोलेड पैनल और 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और Realme इस फ़ोन में हमें ऑफर करता है IPS LCD विथ 90Hz रिफ्रेश रेट। तो इस डिस्प्ले सेटअप को हम एक एवरेज डिस्प्ले सेटअप कहेंगे जबकि ये डिस्प्ले सेटअप और भी बेटर हो सकता था। दूसरा पॉइंट है फ़ोन का कैमरा। दोस्तों सेल्फी कैमरा तो इस फ़ोन का अच्छा है पर रियर कैमरे में जो 2-2 MP के यूजलेस सेंसर दिए हैं उनकी जगह पर अगर एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता तो इस फ़ोन का कैमरा सेटअप और भी बेटर बन जाता। और थर्ड पॉइंट है फ़ोन का परफॉर्मेंस। फ़ोन में हमें क्वालकॉम का 680 चिपसेट मिलता है जो एक नया चिपसेट है और 6 nm पर वर्क करता है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट तो अच्छा है पर अगेन जिस प्राइस रेंज में हमें ये फ़ोन मिलता है उस प्राइस रेंज में दूसरे ब्रांड इससे बेटर चिपसेट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब इश्यूज हमें इस फ़ोन में देखने को मिलते हैं और अगर आप इस फ़ोन को परचेस करने की सोच रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस फ़ोन को परचेस करें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।